मीनू की बच्ची दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गीला, खाए बगड़ बीला। मीनू की बच्ची दाल तेरी कच्ची आटा। चिल्ला क्यों रहे हो भाई? इतना बड़ा घर है, मेरी तो समझ में नहीं आता कौन कहाँ है। कहाँ है वो मीनू की बच्ची? वो क्या वहां बैठी है? ए चुट्टी जी, सुनाई नहीं देता, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ जी। बाबू जी, मैं वो किताब पढ़ रही थी। कौन सी किताब पढ़ रही थी, दिखा जी। ए ठहर ठहर, ये किसकी तस्वीर है? हाँ लड़की किताब में लड़के की तस्वीर रख के देख रही थी। अब भी नहीं समझे क्या? लड़की जवान हो गई है, अब उसके हाथ पीले करने की सोचो। हाथ पीले करने की ऐसे ही सोचें? और पहले कोई रिश्ते नाते की बात तो आनी चाहिए। उस दिन देखा नहीं था क्या मिल खुलने पर? और अब ये तस्वीर। अच्छा तो ये मामला है, ये मामला है। हमारी तो समझ में ही नहीं आई थी बात। लड़का बगल में, ढिंडोरा शहर में, तुम अशोक से बात क्यों नहीं कर लेते? अशोक, ये सब कब तक होता रहेगा? क्या बाबा? यही पल दो पल को मिल लेना, मिलके जुदा हो जाना, ये कतरा कतरा प्यार, लम्हा लम्हा जीना, पास हो तो ये भी दूर रहना। देखिए, इसी को मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत? और मोहब्बत के बाद? तुम्हें मालूम है मोहब्बत के बाद क्या होता है? मोहब्बत के बाद मोहब्बत होती है और मोहब्बत से पहले भी मोहब्बत होती है। हाँ बाबा, लेकिन इन सबके बीच में एक और चीज भी होती है। ए, चीज क्या होती है भाई? शादी। शादी? हाँ तो ठीक है, पर हम शादी कर लेते हैं ना। लेकिन इंजीनियर साहब, हाँ? शादी शादी होती है, मजाक नहीं। और इन सब के लिए घर के बड़ों से बात की जाती है। तो तुम ऐसा करो, तुम अपने बाबूजी से बात करो। मैं बात करूंगी? उससे क्यों होती हो? ठीक है, मैं अपने बाबूजी से बात करूंगा, वो तुम्हारे बाबूजी से बात करेंगे, और उसके बाद हमारी। आइए अशोक, वहां से आइए आइए। भाई बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। क्या हुआ? तुम्हारी बातें भी हो रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ बेटा। हाँ बेटी ने बैठी। हाँ बाबूजी। पार्टनर, समस्या जरा गंभीर है। बाबूजी, ऐसी क्या गंभीर समस्या? आप बोलिए, अभी तोड़फोड़ किए देते। ना ना, तोड़फोड़ की बात नहीं है तो बहुत सोच समझ के जोड़ने की बात है। हम बोलिए ना, जोड़ देते। अशोक, आज हम तुमसे शादी ब्याह के मामले में कुछ बात करना चाहते हैं। बाबूजी, शादी ब्याह के बारे में तो मैं भी आपसे बात करना चाह रहा था। सच? तुम मिलाओ हाथ, पार्टनर हो तो ऐसा हो। अरे भाई इधर आओ, सुनो, इधर आओ इधर आओ। ये हजरत भी हमसे शादी ब्याह के मामले में ही बात करना चाह रहे थे आज। अशोक जी, वो देखो, आज हमें अचानक इस बात का एहसास हुआ कि हमारी बिटिया मीना जवान हो गई जी, और अब हमें उसके उसकी शादी ब्याह की चिंता करनी चाहिए। जी जरूर करनी चाहिए। करनी चाहिए ना? बिल्कुल। तो फिर हम ये भी जान गए हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत घुले मिले हो जी। लेकिन बात की तय को हम आज पहुंचे, पकड़ ली चोरी हमने रंगे हाथों। क्या? हाँ? क्या हुआ? लड़की वहां बैठी किताब पढ़ने के बहाने तुम्हारी ये तस्वीर देख रही थी। ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए बरखुरदार, फैसला कर लिया कि तुम दोनों को रिश्ते में बांध दिया जाए। लेकिन बाबूजी, ये लेकिन वेकिन से काम नहीं चलेगा, ये ताका ताकी बंद होनी चाहिए। भाई लड़की वाले भी हमें, लड़के वाले भी हमें, और हमने बात तय कर दी, रिश्ता पक्का कर दिया, बात पक्की, लाओ हाथ बस। और तुम मंगाओ मिठाई और कराओ सबका मुंह मीठा और करो तैयारियां फौरन। तुमने ये बात मान कैसे लिया अशोक? ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, हमारे प्यार का क्या होगा, उन सपनों का क्या होगा जो हमने साथ साथ देखे थे,
मेरा प्यार उनके एहसानों के बोझ तले दबकर रह गया। स्मिता, मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं इनकार कर सकता। मैं जो कर रहा हूं तुमसे बेवफाई नहीं, मेरी मजबूरी है। ये मजबूरी नहीं, बुज़दिली है। तुम मुझे भी धोखा दे रहे हो और मीना को भी। नहीं स्मिता, ये धोखा नहीं है, कुर्बानी है। उनके लिए जिन्होंने मुझे आसरा दिया, घर दिया, प्यार दिया, मैं तो उनकी एक मामूली सी खुशी पूरी कर रहा हूं। शादी अपनी खुशी के लिए की जाती है अशोक, दूसरों की खुशी के लिए नहीं। तुम शादी नहीं, सौदा कर रहे हो, बहुत महंगा सौदा। एहसान चुकाते वक्त कीमत नहीं देखी जाती स्मिता, मुझे माफ कर दो, मुझे भूल जाओ स्मिता। एहसान बुलाया जा सकता है, प्यार नहीं। मैंने तुम्हें अपने हर सांस से प्यार किया है अशोक, फिर भी अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन लो। अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी ना होने दूंगी।